हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लाइसोसोम्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की। तो जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है लाइसोसोम का, बहुत ही इजी है, ठीक है। इसमें सबसे पहले वर्ड जो है लाइसोसोम में, वो है लाइसो। लाइसो मीन्स होता है डिजॉल्विंग, लाइसो मीन्स डिजॉल्विंग। और जो सोम्स है, सोम्स का मतलब होता है बॉडीज, तो ये डिजॉल्विंग बॉडीज है, ठीक है। अब ये जो लाइसोसोम्स है, एक्चुअली में ये बने हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, है ना। तो दीज आर मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड वेसिकल्स, ये एक टाइप से वेसिकल्स है, मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड, ठीक है। दैट फॉर्म ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बने हैं, ठीक है। ये हमने अपने पिछले वीडियो में, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स वाला वीडियो है, उसमें हमने देखा है, ठीक है। अब सिंपली अगर देखा जाए तो ये इस टाइप से एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर में ये मैट्रिक्स होता है और इसके अंदर में एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम इस टाइप से दिखता है और ये है वेसिकल, ठीक है। तो इसमें जो एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम मोर देन 60 टाइप्स के होते हैं। तो लाइसोसोम्स कंटेंस मोर देन 60 टाइप्स ऑफ एंजाइम, 60 से ज़्यादा इसमें एंजाइम होते हैं। जो एंजाइम होते हैं, उनका नेचर होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एंड डाइजेस्टिव एंजाइम, ये दो टाइप के एंजाइम्स इसमें होते हैं, ठीक है। अब जो लाइसोसाइम्स के एंजाइम्स है, 60 एंजाइम, वो सबसे बढ़िया काम करते हैं एसिडिक पीएच पे, तो वर्क्स एट बेसिक पीएच, ठीक है, बेस्ट वर्क करते हैं ये। तो इस एसिडिक पीएच को मेंटेन करने के लिए जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन होती है, उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप होते हैं कहाँ पर, ये होते हैं लाइसोसोम के मेम्ब्रेन पर, जो क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन आयन को इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से लाइसोसोम का जो पीएच है वो एसिडिक मेंटेन रह पाता है। और इसीलिए जब हम साइटोसोल का पीएच देखते हैं तो वो 7 दिखता है, लेकिन जो लाइसोसोमल पीएच है, लाइसोसोमल पीएच आपको मिलेगा 5, है ना। और जहाँ की सेल के अंदर का जो साइटोसोल है, उसके अंदर का पीएच, के अंदर का पीएच हमको दिखेगा 7, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे एसिडिक पीएच जो है वो मेंटेन हो पाता है लाइसोसोम के अंदर। अब जो लाइसोसोम है, वो क्योंकि एक टाइप से डाइजेस्टिव एंजाइम और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके अंदर होते हैं, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ लाइसोसोम्स है, नंबर ऑफ लाइसोसोम जो है, ये वेरी करते हैं सेल टू सेल। तो जिसका डाइजेस्टिव टाइप का नेचर होता है, जैसे आपका WBC, है ना, फैगोसाइट्स, WBC, फैगोसाइट्स या फिर ऑस्टियोक्लास्ट, ये जिस टाइप की सेल्स है, इनमें आपको मोर लाइसोसोम्स देखने को मिलेंगे, ज्यादा लाइसोसोम्स जो देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें जो शेप होता है लाइसोसोम का, वो मैंने बताया कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। अब इसमें मेजरली दो स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेंगे। पहला तो हमको देखने को मिलेगा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और साथ में अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है इसका, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। तो मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स दो स्ट्रक्चर इसमें होते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मैट्रिक्स, इसके 4 टाइप्स बन गए हैं लाइसोसोम के। किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का नेचर कैसा है, उसके बेस पर इसके 4 टाइप बन गए हैं। पहला जो टाइप है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। दूसरा जो टाइप है उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। तीसरा जो टाइप है उसको बोलते हैं हम टर्शरी लाइसोसोम, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है रेसिडुअल बॉडीज, ठीक है। और जो चौथा टाइप है उसको बोलते हैं हम ऑटोफैगोसोम्स
लाइसोसोम्स, या इसी को ऑटो लाइसोसोम्स भी बोलते हैं, ऑटो लाइसोसोम्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब इन चारों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो जो आपके प्राइमरी लाइसोसोम होते हैं इसमें जो एंजाइम्स होते हैं दे आर इन द इनएक्टिव फॉर्म, तो इसमें इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। तो ऐसा लाइसोसोम जिसमें इनएक्टिव टाइप के एंजाइम्स रहेंगे उसको हम बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम एक्टिव एंजाइम्स होते हैं इसमें, ठीक है, एक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब उसके बाद टर्शियरी लाइसोसोम किसको बोलेंगे? जिसके अंदर में अनडाइजेस्टेड मटेरियल रहेगा उसको हम बोलते हैं टर्शियरी लाइसोसोम। और जो ऑटोफेगोसोम्स है या जो ऑटो लाइसोसोम जिनको हम बोल रहे हैं, ये जनरली जितने भी वॉर्नआउट सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं उनका डाइजेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो डाइजेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, तो ऐसे लाइसोसोम जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स का लाइसोसोम करते हैं या इंटरनल ऑर्गेनल्स का लाइसोसोम डाइजेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑटो लाइसोसोम्स। और ये ऑटो लाइसोसोम्स या ऑटोफेगोसोम्स को ही हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं, या इसी कारण जो लाइसोसोम को है सुसाइडल बैग वर्ड मिला हुआ है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये चारों को हम एक सीक्वेंस में समझते हैं, तीनों को, तो जैसे मान लीजिए ये आपका एक लाइसोसोम है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ये एंजाइम्स जो है अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, तो ये वाला कौन सा हो गया? ये हो गया आपका प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, क्योंकि इसमें एंजाइम कैसे है? इनएक्टिव। अब जब फूड पार्टिकल इसके कॉन्टैक्ट में आता है, फूड पार्टिकल जैसे ही इसके कॉन्टैक्ट में आता है तो इसके अंदर के जो एंजाइम्स है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जब इसमें एंजाइम एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गए फूड पार्टिकल के कॉन्टैक्ट में आने के बाद, तो ये क्या बन गया? सेकेंडरी लाइसोसोम, करेक्ट। अब उसके बाद ये फूड पार्टिकल का डाइजेशन करेगा, है ना, डाइजेशन करने के बाद अब जितने भी एब्जॉर्ब होने लायक मटेरियल है वो आपका लाइसोसोम से बाहर आ जाएगा और अंदर में क्या बच जाएगा? अनडाइजेस्टेड मटेरियल। तो जिस लाइसोसोम में अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो क्या कहला रहा है? टर्शियरी लाइसोसोम, करेक्ट। तो इसमें अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है। इस टाइप से हम जो है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी लाइसोसोम में डिफरेंस समझ सकते हैं। अब उसके बाद जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम के अंदर वो कौन कौन से एंजाइम हैं? तो पहला जो एंजाइम होता है वो है प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस वो एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। न्यूक्लिएजेस, न्यूक्लिएजेस वो होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करते हैं। जैसे अब मान लीजिए आपका डीएनएज, आरएनएज, ये जो है ये आपके न्यूक्लिएजेस एंजाइम के एग्जाम्पल हैं। फिर ग्लाइकोसिडेजेस, ग्लाइकोसिडेसेस ये ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेंगे। फिर जो है आपका इस्टरेजेस, मतलब कि जो इस्टर मॉलिक्यूल का डाइजेशन करते हैं। फिर उसके बाद आपका फॉस्फेटेज, करेक्ट। फिर उसके बाद सल्फेटेज, ये छह टाइप के एंजाइम जो है आपके लाइसोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं लाइसोसोम के फंक्शन की। लाइसोसोम के फंक्शन जो है वो हम पांच फंक्शन इसमें लिस्ट आउट करेंगे। पहला फंक्शन जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं हेट्रोफेजी। क्या बोलते हैं? हेट्रोफेजी। हेट्रोफेजी जो होता है ये आपका सिंपली आप बोल सकते हो कि जो फूड पार्टिकल का डाइजेशन होता है, फूड पार्टिकल का डाइजेशन या जितने भी पैथोजेंस या फॉरेन पार्टिकल का डाइजेशन करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम हेट्रोफेजी। ठीक है, दूसरा फंक्शन है इसका ऑटोफेजी। दूसरा फंक्शन है ऑटोफेजी। तो जो रिजर्व फूड मटेरियल का जो डाइजेशन होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोफेजी। तीसरा जो है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस भी इसका फंक्शन है। ऑटोलाइसिस मतलब अगर पूरी की पूरी सेल जो है डाइजेस्ट कर देता है लाइसोसोम तो उसको बोलते हैं हम ऑटोलाइसिस। ठीक है, चौथा ये कार्सिनोजेंस जो होते हैं, मतलब जो कैंसर प्रोड्यूस करने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको भी ये डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। और पांचवा है डिफेंस। तो डिफेंस मतलब कि ये
चारों जो ऊपर के फंक्शन है उसको मिला के हम इसका डिफेंस फंक्शन बोल सकते हैं। तो इस टाइप से आप स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम को समझ सकते हैं। थैंक यू।